नमस्ते, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक वीगन हूँ। आज इस वीडियो में मैं क्यों मछली या अन्य समुद्री भोजन का सेवन नहीं करता, इसका कारण आपको बताने जा रहा हूँ। हमें लगता है कि मछलियों में बुद्धि और भावना नहीं होती है। लोग हमेशा कहते हैं जब मछलियों में चेतना नहीं होती है तो उनकी प्रति हमें करुणा क्यों रखनी चाहिए। मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव वास्तव में अन्य जानवरों की तरह बुद्धिमान और चित्त के पात्र होते हैं। उनमें दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जीवित रखने की और स्वयं को रक्षा करने की आशा होती है। मनुष्य की तरह उनमें भी सामाजिक भावनाएं होती हैं। ऐसे में हम क्यों इनकी भावनाओं को अनदेखा कर रहे हैं? अब मैं आपको लॉन्ग लाइन फिशिंग के बारे में बताता हूँ। 50-100 किलोमीटर लंबे रस्सियों में सैकड़ों आंकड़ों जोड़कर समुद्र में डाला जाता है। जो मछलियां इन पर फंस जाती हैं, उन्हें इस दूरी तक क्रूरता पूर्वक खींच कर लाया जाता है, जिसके वजह से उन्हें मुंह में गहरे घाव बन जाते हैं। बड़ी मछलियों को आंकड़ों से भरे रॉड से पकड़ जाता है, जो अत्यंत पीड़ा देते हैं। गिलनेट्स में पतले धागे का उपयोग किया जाता है, जो पानी के अंदर बिछाए जाते हैं। जब कोई मछली उसमें से गुजरती है तो वह उसमें अटक जाती है। अगर वह आगे पीछे जाने की कोशिश करती है तो उसके गिल्स खट जाते हैं। इस वजह से कुछ मछलियां पानी के अंदर भी सांस नहीं ले पाती, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ट्रॉलिंग में एक नाव पर बड़ी सी जाली को पानी के अंदर से खींचा जाता है, जिसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। जाली के वजह से मछलियों पर अत्यंत दबाव पड़ता है, जिसके वजह से ऑर्गन फेलियर और सफोकेशन होता है। कुछ मछुआर नाव पर इन मछलियों को पेट को चाकू से फाड़ देते हैं और कई मिनटों तक तड़पकर मार जाती है। कुछ लोग मछलियों को बिजली की शॉक देकर भी मारते हैं, जब उनका पहले से ही दम घुट रहा हो। बड़े मछलियों को काबू में लाने के लिए उन्हें रॉड से मारा जाता है। मछलियां मरने से पहले 30 मिनट से लेकर 4 घंटों तक तड़पती हैं। ग्रामीण जगहों में जालियों को बिछाकर चारों तरफ से मछलियों को घेर कर उन्हें निर्जीव वस्तु की तरफ बाहर निकालकर नाव या जमीन पर पटक दिया जाता है। मांस उत्पादन का 50% योगदान मत्स्य पालन से आता है। मछलियों को बंद टैंक्स में आजीवन कैद करके रखा जाता है। उनके प्राकृतिक निवास की तुलना में यह जगह बहुत छोटी होती है, जिसके वजह से वे अपने स्वभाव और वृत्तियों को खो देते हैं। वे अपने आप से या टैंक के दीवारों से टकराते रहते हैं, जिसके वजह से उनके अंगों और रीढ़ की हड्डी को क्षति पहुंचती है। मछलियों के गिल से प्राकृतिक रूप से अमोनिया निकलता है। टैंक में अमोनिया का मात्रा बढ़ जाती है, जिसके वजह से उन्हें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए मछलियों को भोजन के साथ भारी मात्रा में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। मछलियों के भोजन का उत्पाद समुद्र से पकड़े गए अन्य मछलियों को पीस कर बनाया जाता है। 1 किलोग्राम भोजन बनाने के लिए 5 किलोग्राम मछलियों को मारना पड़ता है। इस भोजन में केमिकल ग्रोथ हार्मोन्स भी डाले जाते हैं, जिसके वजह से मछलियां उनके प्राकृतिक रूप से ज्यादा मोटी और बड़ी हो जाती है। मत्स्य पालन में मादा मछलियों को हार्मोन्स और केमिकल्स का इंजेक्शन देकर उनके अंडों को उपयुक्त बनाया जाता है। इन अंडों को मादा के शरीर को दबाकर निकाला जाता है। नर मछलियों के शरीर से उनके वीर्य को बलपूर्वक निकालकर अंडों को निषेचित किया जाता है। कुछ मार्केट्स में मछलियों को जिंदा रखा जाता है और उन्हें उसी समय जिंदा काटकर बेचा जाता है। केकड़ों और झींगों को जिंदा गर्म पानी में उबाला जाता है। बस 1 मिनट के लिए सोचें कि कितनी पीड़ा और वेदना से इन मासूम जानवरों को गुजरना पड़ता है। हम सिर्फ अपने मजे के लिए उन्हें इतनी भयानक जिंदगी से गुजारते हैं। हम उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वाद के लिए करते हैं। अब समय आ गया है कि हम उनका शोषण और सेवन करना बंद कर दें और वीगन बने। धन्यवाद। यदि आपको वीगनिज्म पर संदेह है और भारत के साथी वीगन्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो कृपया फेसबुक ग्रुप इंडिया वीगन रेवोल्यूशन ज्वाइन करें। कृपया वीगन रहें और दूसरों को शिक्षित करें। धन्यवाद।